जाति सूचक शब्द बोला, गाली गलौज करी और उससे मारपीट करी। जो मैंने सच रात को देखा था मैंने बयान किया, उसके अंदर मैंने अपनी गवाही दी। उस गवाही को तोड़ने के लिए इस महिला ने कल मेरे खिलाफ छेड़छाड़ का मामला, हाथापाई का मामला, घर के कुछ के अंदर का मामला। सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चले, जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, TNC अप्लाइड। सर, मेरा नाम महेश सिंगोरानी है, मेरी पत्नी वार्ड नंबर 26 से पार्षद है, मैं पार्षद पति हूँ। दिनांक 20/9 को रात को 12:03 में मेरे पास किसी महिला का फ़ोन आया कि हमारे यहाँ पर किसी से झगड़ा हो रहा है, आप यहाँ तुरंत आइए और हमें समझाइश कराइए। मैं तुरंत मेरे मित्र योगेश शर्मा जी और मेरी पत्नी को लेकर वहाँ स्थान पर पहुँचा। वहाँ जाकर देखा कि जिस महिला ने मेरे खिलाफ़ अभी मुकदमा दर्ज किया है, उसके परिवार के 5 सदस्य वो खूब दारू पिए हुए थे, महिला खुद भी नशे में थी, प्लस एक व्यक्ति अनूप कुमार जी, उसका झगड़ा उनसे हो रहा था। वहाँ पर मैंने उनको खूब बीच बचाव की कोशिश करी, 4-5 मिनट तक समझाइश की कोशिश करी। नहीं समझने पर मेरे द्वारा रामगंज थाने के मिस्टर होशियार सिंह जी को फ़ोन किया गया और मेरी पत्नी रश्मि हिंगुरानी ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को वहाँ बुलाया। मौके पर 3-4 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस पहुँची और वहाँ पर देखा शांति भंग में ये सब आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ पर इन पुलिस ने, रामगंज थाने ने इन सब के खिलाफ 151 के तहत बंद किया। दूसरे दिन 151 में महिला के 4 सदस्य रिश्तेदार प्लस एक अनूप कुमार, ये 5 जनों को 151 में पाबंद करके छोड़ दिया गया। अनूप कुमार ने उसी दिन STSC का मुकदमा उस महिला और उस परिवार पर लगाया। जब उसने मुकदमा लगाया तो उसने मेरा नाम भी लिया कि उस वक्त रात को पार्षद पति, पार्षद और पार्षद के मित्र वहाँ मौजूद थे, तो मुझे गवाही के तौर पर बुलाया गया। मैंने जो देखा, जो सुना, वो मैंने सच बोला। ST सेल के अंदर मैंने बताया कि उस महिला के परिवार वालों ने अनूप कुमार के साथ जाति सूचक शब्द बोला, गाली गलौज करी और उससे मारपीट करी। जो मैंने सच रात को देखा था मैंने बयान किया, उसके अंदर मैंने अपनी गवाही दी। उस गवाही को तोड़ने के लिए इस महिला ने कल मेरे खिलाफ छेड़छाड़ का मामला, हाथापाई का मामला, घर के कुछ के अंदर का मामला जो मेरे पे मुकदमा लगा, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। प्रेस उस महिला ने अखबार द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा मुझे और मेरी पत्नी जो राजनीतिक है, जो पार्षद है कांग्रेसी, उसकी छवि को धूलमूल करने की बहुत कोशिश करी है। आज मैं अभी ISP साहब से मिलने आया हूँ, मैंने अपनी सफाई पेश करी है। उस महिला ने रात को मेरे पास रिकॉर्डिंग जो बात रात को 12:03 की है, मुझे बुलाया गया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। 12:06 के अंदर मिस्टर होशियार सिंह जो पुलिस रामगंज थाने के अंदर तैनात है, उस वक्त रात को ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन उनको मैंने सूचना दी कि आप थाने पर सूचना करें। लैंडलाइन पर मैंने सूचना देने की कोशिश करी, लेकिन लैंडलाइन नंबर किसी ने उठाया नहीं, इसीलिए मैंने मोबाइल पर सूचना दी। मोबाइल के द्वारा उन्होंने अपने स्टाफ को पुलिस को वहाँ भेजा, वो भी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास है। ये आपको फंसाया जा रहा है क्या? हाँ, ये क्रॉस केस लगा के मतलब उस केस को कम किया जा रहा है। ST का भी ये ST के अंदर मैंने गवाही दी है।